बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट आप मिस कर जाओगे। सीए इंटर लॉ नवंबर 23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉ के आंसर को कैसे सही तरीके से लिखे। तीन चार हफ्तों में 81,000 प्लस व्यूज हो गए। 5 स्टार वाले टॉपिक और सेक्शन कौन से, 4 स्टार वाले कौन से, 3 स्टार वाले कौन से, 2 स्टार के कौन से, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का इस मटेरियल के बाहर नहीं है। जब आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे ना और जब आप इसका आंसर करोगे, आपको लगेगा रे सर वाह, या तो इसमें से एज इट इज कोई क्वेश्चन आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन में आप बोलोगे यार सर मजा आ गया, सर क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये मेरा वादा है, आप मेरे को मैसेज करोगे, इतना मेरे को विश्वास है इन रिसर्च में और इन क्वेश्चन में। ये इसका ब्लूप्रिंट है, समझ लो। ये एडिशनल है, प्रीमियम क्वालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिलेगा, ना एमपीटी में मिलेगा, ना आरटीपी में मिलेगा। ये मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। वो आपके कंसेप्ट को ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो क्वेश्चन कि आप बोलोगे अरे यार इसके बाद तो बस अब पेपर लाओ मेरे सामने, पेपर लाओ बना के दिखाता हूं मैं क्या है। हाँ जी मेरे सीए इंटर नवंबर 23 के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लगातार आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अरे सर वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे से बता दीजिए, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस के बारे से बता दीजिए। आप ही के राइटिंग प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंतजार हो रहा है। एंड हियर आई एम, गजब अनाउंसमेंट करने आया हूं। गजब यानी कि गजब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट आप मिस कर जाओगे। मैं 4 बातें बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सीए इंटर लॉ नवंबर 23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, 23 डेज बचे हुए सर, स्मार्ट अप्रोच बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो कैसे पढ़ना है। तीसरा, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पूरी चीज पढ़ के जानी है, सेलेक्टिव पढ़ के जानी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो। और लास्ट में भाई जो सबसे बड़ा कंसर्न है आपका सर, कि लॉ के आंसर को कैसे सही तरीके से लिखे, कुछ ब्रह्मास्त्र बता दो, कुछ गुरु मंत्र बता दो, जिससे अपनी सारी चीजें हो जाएगी। ये चारों चीजें के बारे से आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। बट उसके पहले मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये हमारा CACMA इंटर का मैराथन है नवंबर 23 के लिए जो मैंने डाला था। मात्र और मात्र 3-4 हफ्तों में 81,000 प्लस व्यूज हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि जैसे एक बच्ची का यहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि सर मैं आपकी रेगुलर स्टूडेंट हूँ, आप क्लास में अक्सर बोलते थे कि लिखो आपको पता चलेगा एग्जाम में इस नोट्स की कीमत क्या है, सर आज सारा कुछ नोट से ही आ रहा है। तो ये जो वीडियो है वंशिका पांचाल जी का, और ऐसे बहुत सारे कमेंट कि सर आप पूरा एफर्ट दे दिए, हमको आपके बारे से पहले पता नहीं था, हमने नोट्स आपके खरीद के लिए, बहुत मजा आ रहा है, इतना प्यार आप बनाए रखिए। इसका पार्ट 2 भी आ चुका है, यानी कि पार्ट 1 था, पार्ट 2 अदर लॉस का भी आ रखा है, उसको भी इतना ही प्यार मिल रहा है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे, ये सब देख के आपका प्यार देख के ऐसी फीलिंग आती है कि आप पढ़ो चाहे कहीं से, पास हो गए ACT से ही, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में जो व्यक्ति क्लास लगाया हुआ था वो आज इस कंटेंट को और इस नोट्स को इस्तेमाल करके पास हो रहा है। तो पढ़ो चाहे कहीं से, पास हो गए ACT से। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 बातें जो मैं आपको बता रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा आपकी जो डिमांड है वो इस बात की है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ नवंबर 23 के कहां है, सर रहा नहीं जा रहा, दिखा दो एक बार कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल थाम के रखिए, आपका भाई आपके सामने पेश कर रहा है, हियर आई एम, सीए इंटर लॉ बुल्स आई प्रो। सर ये प्रो क्या है, सर बुल्स आई तक तो सुना था आपके फाउंडेशन में, ये प्रो क्या है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आपने सीए फाउंडेशन में देखा था मेरे बुल्स आई के क्वेश्चन के बारे से कुछ भी नहीं आता है, तो अब ये सीए फाउंडेशन नहीं है, सीए इंटर है, तो हमने बुल्स आई को भी बुल्स आई प्रो बना दिया है। जबरदस्त तरीके से इसको बना के रखा है, आपके सामने पेश करता हूं बुल्साई प्रो को। ये हमारा क्वेश्चन बैंक आप इसको कह सकते हो। आओ इसके आपको कुछ झलक दिखाता हूं। इस पे पूरा का पूरा आपका कॉर्पोरेट लॉ कवर है, जिसपे मैं आपको दिखाना चाहता हूं हर चैप्टर में हमने बाइफरकेशन कर दिया है कि भाई 5 स्टार वाले टॉपिक और सेक्शन कौन से, 4 स्टार वाले कौन से, 3 स्टार वाले कौन से, 2 स्टार के कौन से। खासियत इन नोट्स की ऐसी है कि हमने जैसा जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया वैसे उसकी हेडिंग डाल के, यानी कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एक ही जगह ला दिए, स्मॉल कंपनी के ऊपर कितने क्वेश्चन ला सकते हैं एक ही जगह डाल दिए हैं,
ऐसे आप जाओगे तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही जगह डाल दिए हैं। मैं आपको चैप्टर टू की ओर लेके जाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगेन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार की रेटिंग, इंपॉर्टेंट सेक्शन के टॉपिक यहीं लिख दिए हैं। और जैसा 5 स्टार, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आया, सब्सिडियरी नॉट टू होल्ड शेयर, और उसके संबंध में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे हमने एक जगह कर दिया। अब जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब एक जगह है। मैं तीसरे चैप्टर की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं, तो सेम मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्टार रेटिंग, और एक टॉपिक के नीचे उसके ही संबंध में सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में कभी ना कभी एमटीपी पे या आरटीपी पे या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में कभी ना कभी पूछे होंगे। चीजें यहां पे खत्म नहीं होती है। इसके अलावा ये 10 चैप्टर जो आपके कॉर्पोरेट लॉ के हैं, ये तो आपके हैं ये इन स्टार रेटिंग के साथ। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का इस मटेरियल के बाहर नहीं है, पहली बात। अब बात आती है सर कि ना, मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि ना मैं इधर उधर का मटेरियल उठा दूं, डाल दूं इसको और बोल दूं इसको कर लो बच्चों, इससे सब कुछ आ जाएगा, ये है वो है। आप फाउंडेशन से मुझे जानते हैं, मैं कभी भी कोई चीज बनाता हूं ना तो मैं बहुत रिसर्च करता हूं, इंस्टीट्यूट का क्या पैटर्न है, किस लेवल का वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी बुक्स को रेफर कर रहा है इंस्टीट्यूट और कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। मैंने फाउंडेशन में भी आपको ये बात बताई थी कि मैंने अपने रिसर्च से पाया कि इंस्टीट्यूट कौन कौन सी बुक को रिफर करता है अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैं सेम रिसर्च इंटर्न में भी करता हूं, इसीलिए तो मैं आपको इन 10 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्ड वे के अलावा आपको मैं इसके अंदर एडिशनल इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता हूं फॉर सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। इसमें आपको 25-26 क्वेश्चन प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसको इंस्टीट्यूट के किसी भी मटेरियल में आप नहीं पाओगे। ये हम रिसर्च करके लाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मिल गया आपके टॉपिक का तो उठा के डाल दिए, नहीं, बहुत कोर रिसर्च लगती है इसके अंदर कि इंस्टीट्यूट किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डेप्थ में जा रहा है, कितने मार्क्स का पूछ रहा है, उस हिसाब से रिसर्च करके कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जब आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे ना और जब आप इसका आंसर करोगे, आपको लगेगा अरे सर वाह, मजा आ गया सर, मतलब इतने प्यारे क्वेश्चन डाले। यानी कि आप जब पूरा बुलसाई का कर लोगे, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन कवर है जो मुझे लगता है आते हैं, जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैंने खुद से बनाए वो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन या तो इसमें से एज इट इज कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये आपके कंसेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ये क्वेश्चन इतना तगड़ी ग्रिप बना देगा कि एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आपको बनेगा, मतलब बनेगा। इतना वक्त जो मुझे लगा इस बुक को बनाने के लिए, मैंने काफी समय से बोल रखा था 1 महीने पहले से कि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो तब से लेके आज तक दिन रात मैं इस बुक में काम कर रहा था, ट्रस्ट मी। और कोई भी अच्छी चीज को बनने के लिए ना वक्त लगता है। मेरा कभी अप्रोच नहीं है इधर उधर से कॉपी पेस्ट मारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल, बोल दिया बच्चों इससे ही पढ़ना है, इसमें सब कवर है, पास्ट एग्जाम ये वो ऐसा वैसा। मेरा अप्रोच ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि वो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो तो कवर होना ही चाहिए, पास्ट एग्जाम के एक एक क्वेश्चन कवर होने चाहिए, एमटीपी आरटीपी इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल होना चाहिए। बट उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट उनसे भी बियॉन्ड जाता है तो देयर शुड बी सम टॉपिक्स कंसेप्ट क्वेश्चन जो आपको वो पढ़ के कोई भी क्वेश्चन आए आपको बनना चाहिए, और ये वही एडिशनल क्वेश्चन डाले। इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में आप बोलो कि यार सर मजा आ गया, सर क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये मेरा वादा है, आप मेरे को मैसेज करोगे, इतना मेरे को विश्वास है इन रिसर्च में और इन क्वेश्चन में, बहुत जबरदस्त करवा के लिए। तो आइए इनके बारे से मैं आपको थोड़ा सा और ब्यौरा देता हूं कि इसके अंदर क्या कैसी चीजें हैं, ये इसका ब्लू प्रिंट है समझ लो। तो जैसा कि ना मैंने आपको बताया कि मैं क्या किया कि एक टॉपिक पकड़ा, फॉर सपोज मिस स्टेटमेंट या प्रॉक्सी या कोरम। अब उस कोरम के संबंध में, कोरम के टॉपिक में कितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अब तक पूछे हुए हैं या भविष्य में पूछ सकता है, तो मान लो उस कोरम के दम में ऐसा मुझे लगा कि 7 क्वेश्चन है, तो ये 7 क्वेश्चन को ना मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं। यानी कि मैं क्वेश्चन नहीं गिन रहा हूं, मैं कंसेप्ट गिन रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट सेक्शन गिन रहा हूं मैं कि सर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस में 7 वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं।
कोरम के बाद आता है प्रॉक्सी। तो सर प्रॉक्सी में 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो 2 कंसेप्ट में मान लो 10 क्वेश्चन बने, आई एम काउंटिंग दिस 2 क्वेश्चंस, क्योंकि ये 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। अब ये 2 कंसेप्ट आपके क्लियर है तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको बनेगा। मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन ये दे रहा हूं ताकि आपका अलग अलग क्वेश्चन देख के पूरा स्कोप कवर हो जाए सेक्शन का। उस सेक्शन में कहीं भी कुछ भी पूछे आपको बनना चाहिए। सो अगर किसी एक टॉपिक में 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, आई एम काउंटिंग इट 1, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। वो क्वेश्चन बस आपकी स्वॉर्ड को और धार करने के लिए आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, इससे मेरे को बनेगा। सो यू कैन काउंट इट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बराबर है? तो आओ समझ के लीजिएगा, ये इसका ब्लूप्रिंट है। जैसे मैं बताना चाहता हूं, चैप्टर नंबर 1 में टोटल 9 क्वेश्चन है, बट इफेक्टिवली उसमें 5 क्वेश्चन है। कैसे? किसी एक टॉपिक में हो सकता है 3 क्वेश्चन होंगे, जैसे स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी में 3 क्वेश्चन हो गए, बट आई एम काउंटिंग इट 1 क्वेश्चन या 1 सेक्शन। तो ऐसे इफेक्टिवली इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 है तो टोटल 13 क्वेश्चन है, बट वो 3-4 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक के होंगे, तो इफेक्टिवली उसमें कितने क्वेश्चन है? 5, और ये उनके पेज नंबर है। अब ऐसे करके पूरा 10 चैप्टर में अगर आप देखोगे तो अपने पास 212 क्वेश्चन होते हैं, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, एडिशनल प्रीमियम क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं मिलने वाले। ये एडिशनल है, प्रीमियम क्वालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिलेगा, ना एमटीपी में मिलेगा, ना आरटीपी में मिलेगा। ये मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। कुछ मैंने बनाया है, कुछ मैंने समझा है, कुछ मैंने इंस्टीट्यूट के पैटर्न को क्रैक डाउन करके कौन सी बुक को रिफर करते हैं उसके हिसाब से डाला है। मान लो उनमें से क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना, वो आपके कंसेप्ट को ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो क्वेश्चन कि आप बोलोगे अरे यार इसके बाद तो बस अब पेपर लाओ मेरे सामने, पेपर लाओ बना के दिखाता हूं मैं क्या है। तो इंक्लूडिंग दिस सुपर क्वेश्चन, प्रीमियम क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 212 क्वेश्चन है, बट इफेक्टिवली अगर आप देखोगे, क्योंकि एक टॉपिक में 3 क्वेश्चन है फिर दूसरे टॉपिक में, तो इफेक्टिवली इसमें टोटल 97 मिलेंगे। एक्चुअल में 212 है, बट किसी एक टॉपिक में 3, फिर दूसरे टॉपिक में 2, तीसरे में 4, पांचवे में 6, ऐसे करके मैं जहां पे एक टॉपिक में अनेक क्वेश्चन है उसको मैं गिनता हूं एक ही कंसेप्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि ये है। अब जैसा बोल रहा है सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, तो देखो इसको मैंने दिया 1A, 1A के बाद मैंने यहां लिखा है 1B, 1B के बाद मैंने लिखा है इसको 1C, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए एक टॉपिक के ऊपर, तो उस 3 को मैं एक गिन रहा हूं। 1A, 1B, 1C इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन। ठीक है सर, समझ में आया? तो ऐसे करके टोटल आपको 142 पेजेस में ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा कॉर्पोरेट लॉ का। आप बोलोगे बस इसके बाद मेरे को बस पेपर दो, मेरे को पेपर दो, मैं पेपर दे के आऊंगा आराम से। ठीक है सर, ये ब्लूप्रिंट क्लियर होता है। अब बात आती है ये कैसे अवेल होगी। तो बुल्स आई प्रो जो है, जिसके बारे से मैंने आपको अभी बताया, ये आपको ई बुक में मिलेगी नॉन प्रिंटेबल फॉर्म में। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बारे से मैं आपको बताता हूं। आपको ये ई बुक में मिल जाएगी नॉन प्रिंटेबल, यानी कि आप इसको मोबाइल में देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो की सर 23 दिन पहले अपने को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए कि पूरा पढ़ना चाहिए, मैं एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ूंगा ये, और ये जो बुल्साई बुक मैं आपको दे रहा हूं इसके 20 प्रीमियम क्वेश्चंस की, 20 प्रीमियम क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस। तो 1, 2, 3, 4, एक तो नोट्स बुल्साई प्रो, फिर स्ट्रेटेजी 2, और एक राइटिंग प्रैक्टिस 20 आंसर्स का, 20 प्रीमियम क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, आप इसको राइटिंग प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो। सब आपको मिलेगा मात्र 499 रुपीज में, और ये 499 सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट को पे करना है जो मेरे नॉन रेगुलर स्टूडेंट है, जिनने नवंबर 23 के लिए मेरे से रेगुलर क्लास नहीं ली। सर हम तो रेगुलर क्लास वाले हैं, हमने GD लिया है सर, हमने PD लिया है, हमने लाइव लिया, या आप फेस टू फेस हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आप फिल करिए, गूगल फॉर्म रहेगा, उसमें आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और आपको एक रिसीट अपलोड करनी है प्रूफ के तौर पे कि आप हमारे स्टूडेंट हो। आपको एक कोड रिसीव होगा आपके मेल में, आप जैसे ही वो कोड अप्लाई करोगे आपको मात्र 30 रुपए में सारी चीजें ऊपर की मिल जाएगी, ओनली 30 रुपीज। दिस इज जस्ट अ सर्वर कॉस्ट वी आर टेकिंग फ्रॉम यू, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर आप जब ई बुक में दे रहे हो ना, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। मैं बताना चाहता हूं पहले तो कि कैसे आप एप्लीकेशन से ले सकते हो, तो लिंक सारी नीचे दी गई है परचेस करने के लिए, कैसे ले सकते हो, कैसे परचेस करोगे, कैसे सारे वीडियो देखोगे, इसके लिए इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है कि आप कैसे ऐप में जाके उसको परचेस करके सारी चीजें देख सकते हो, तो वो वीडियो जरूर देख लेना प्रोसीजर के लिए। एक वार्निंग मैं देना चाहता हूं, मैं ई बुक में पिछली बार जब अपना सीए फाउंडेशन का दिया था तो उसकी बहुत पायरेसी हुई थी। जब मैंने स्टूडेंट को पकड़ा तो ऐसा था कि सर मैं मदद करने की कोशिश कर रहा था, मेरा इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बट मुझे नुकसान हुआ। मैं बताना चाहता हूं ये कॉपीराइट प्रोडक्ट है और इस कॉपीराइट प्रोडक्ट को आप मेरे से बिना पूछे कहीं भी शेयर स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते हो। इनकेस आप करते हो दिस आर द पनिशमेंट, यू मे गो टू बिहाइंड द बार्स, है इसमें पनिशमेंट, ये कॉपीराइट का नोटिस वहां पे रहेगा। मैं ये वार्निंग नहीं दे रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आप कभी कभी हीरो बनते हैं कि चलो ले लियो सबको बांटूंगा, आपको उसके परिणाम नहीं पता होते, आपको ये नहीं पता होता उसमें किसी की मेहनत होती है। तो प्लीज ख्याल रखें इन सारी चीजों का, आप ये कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हार्ड कॉपी हमको चाहिए तो कैसे होगा, तो अगेन लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 999 रुपए में कलर्ड फॉर्मेट में, 999 रुपए में कलर्ड फॉर्मेट में आपको इसकी हार्ड कॉपी मिलेगी। अच्छा सर, इस 999 में जब मैं हार्ड कॉपी लूंगा तो क्या सिर्फ हार्ड कॉपी मिलेगी? नहीं, इस 999 में आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी, आपको उसके अलावा वो सारे कंटेंट भी मिलेंगे जो मैंने ऊपर बताया। बट ई बुक में इसीलिए अवेलेबल करा रहा हूं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इवन दो यू आर ऑर्डरिंग फॉर हार्ड कॉपी, आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करोगे तो तब तक आपको सॉफ्ट कॉपी का भी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि अभी समय लग सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन डिपेंडिंग आप कहां रहते हो, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस बाय डिफॉल्ट मिलेगा और यहां से बुक भी डिस्पैच हो जाएगी 999 रुपए में कलर्ड फॉर्मेट में। लिंक्स आर अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, पुणे में ही हो आप आ जाइए मेरे ऑफिस में, आपको बुक कॉस्ट में आपको मैं ये चीज करवा दूंगा, यानी कि मैं उसमें कमाऊंगा कुछ नहीं क्योंकि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो। जो मेरे को प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी वो प्रिंटिंग कॉस्ट आप मुझे पे करिएगा और प्रिंटिंग कॉस्ट में ही ले जाइएगा अगर आप पुणे में ही लोकेट करते हो तो, बराबर है क्या? तो दैट्स ऑल, आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ये सारे वीडियो भी इसमें मिलेंगे 499 में। मैं चाहता तो आप बोलोगे सर आप इसको फ्री भी कर सकते थे, हाँ मैं इसको फ्री कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है, लोग इसकी कॉपी भी करते हैं फिर बाद में, तो ये जो प्रीमियम कंटेंट है आप इसकी थोड़ी सी वैल्यू करो, इसलिए मैंने इसकी प्राइस 499 रखी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये 499 का प्रोडक्ट नहीं है, ये कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ ओनली एट 499, जस्ट क्योंकि आप इसकी वैल्यू करो, फ्री में हो जाएगा बंदरवाट हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो जस्ट एज रुपीज 499 ईबुक मिल जाएगी इस बुलसाई ब्रह्मास्त्र की, इसके बाहर से आने की बहुत कम संभावना है। और ये सारे वीडियो स्ट्रेटेजी ये वो और 20 प्रीमियम क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, ये सारा कुछ आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ही मिलेगा जिसकी प्रोसीजर आपको नीचे समझाई गई है, एक बार आप उसको देख लेना सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ो चाहे कहीं से पास हो गए ACT से ही, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस साइड सी एस अर्जुन छापड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।